नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप 10 न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। पीएम मोदी ने वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस मौके पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। खराब मौसम के कारण रामबन जिले में भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राजमार्ग यातायात के लिए हुआ बंद। अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुआ अमरनाथ श्रद्धालुओं का जत्था टिकरी से जम्मू बेस कैंप लौटा। जम्मू के सांबा जिले में ऑटो ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। डोडा में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार व विस्फोटक सामग्री हुई बरामद। जम्मू कश्मीर में भाजपा की सियासी गतिविधियों को धार देंगे राजनाथ सिंह, बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद पार्टी कार्यालय में होगी बैठक। सर्वानंद कौल समेत 17 बलिदानियों के नाम पर होगा स्कूल, सड़क और इमारतों का नामकरण। जम्मू की बेटियां लाल चौक पर फहराएंगी तिरंगा, बाइक से 5 लड़कियों का दल बलिदान स्तंभ जम्मू से कारगिल के लिए हुआ रवाना। भारत में 1.5 लाख के पार हुए कोरोना के मामले, 24 घंटों में मिले 21,000 से ज्यादा नए मामले, मौत की संख्या भी बढ़ी। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने की कगार पर सरकार, केवल 1 साल में बचाए अरबों रुपए। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।